स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टॉपिक हमारा थर्ड थर्ड टॉपिक इज एन अर्ली अंपायर। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है, किंग्स फार्मर्स एंड टॉम्स। सो टॉपिक थर्ड हमारा जो रिलेटेड है अर्ली अंपायर से, जिसमें हम मेनली जो डिस्कस करेंगे मौर्यन अंपायर के बारे में। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक टू में डिस्कस किया था वो हमारी थी मागधा अंपायर, राइट। इट मीन्स उसमें हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, मागधा अंपायर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम डिस्कस करेंगे मौर्यन अंपायर के बारे में, राइट एवरीबॉडी। सो स्टार्ट करते हैं। थ्री पॉइंट हमारा ये है जी, 3.1 फाइंडिंग अबाउट द मौर्यन अंपायर। ठीक है जी, मौर्यन अंपायर है जो कब एस्टेब्लिश हुई, जब मागधा अंपायर है जो उसका एंड हो गया। तो उसके एंड होने के बाद मौर्यन अंपायर है जो वो एस्टेब्लिश की, वो किसने एस्टेब्लिश की, चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश की। कब की, 321 BCE में है जो मौर्यन अंपायर है उसको एस्टेब्लिश किया गया। कब एस्टेब्लिश किया, 321 BCE को मौर्यन अंपायर है जो वो एस्टेब्लिश की गई, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, राइट। सो ही वॉज अ फाउंडर ऑफ मौर्यन अंपायर। हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। सो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, एंड व्हेन 321 BCE में है जो वो एस्टेब्लिश की थी मौर्यन एम्पायर। ठीक है जी, सो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जो अपनी एम्पायर थी मौर्यन एम्पायर को, वो बहुत उसको एक्सटेंड किया था। उसको कहाँ तक एक्सटेंड किया था, उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक जो कि अंपायर है उन्होंने उसको एक्सटेंड किया। और उसके बाद जो उनके सन थे, ठीक है जी, उनके सन कौन थे जी, अशोका, अशोक हैं जो उसके उनके ग्रैंड सन थे, नॉट अ सन, ग्रैंड सन थे उनके। उन्होंने जो मौर्यन अंपायर है वो बहुत ज़्यादा है जो वास्ट कर दी थी, बहुत लार्ज अंपायर है जो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी थी, इसका जो बाउंड्रीज थी उसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दी थी। ठीक है जी, तो इसीलिए उनको अशोका दी ग्रेट भी बोला जाता है। तो उन्होंने अब एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अशोक जी के बारे में कि अशोक जी ने क्या क्या किया जी। सो हिस्टोरियन यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो हिस्टोरियन ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको यूज़ किया मौर्यन एम्पायर की जो हिस्ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को है जो यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिस्ट ने जो यूज़ किया मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए वो थी अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि अशोक जी ने है जो अपने टाइम पीरियड में इंस्क्रिप्शन है जो वो राइट करवाई। ठीक है जी, तो जितने भी हमें जानकारी मौर्यन एम्पायर की मिलती है अशोक के बारे, अशोक जी की मिलती है, अशोका किंग, अशोका दी ग्रेट यानी किंग के बारे में जो भी नॉलेज मिलती है हमें, वो कहाँ से मिलती है, इंस्क्रिप्शन से। अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो मौर्यन एम्पायर की इंस्क्रिप्शन है उनसे हमें मिलती है। ठीक है जी, तो इंस्क्रिप्शन ने बहुत बड़ा रोल है जो प्ले किया। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है मौर्यन एम्पायर का, वो है मैथनीज की लिखी हुई बुक जिसका नाम है इंडिका। ठीक है जी, मैथनीस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। वो ग्रीक ट्रैवलर था, ग्रीक फिलोसफर था, वो इंडिया में आया था घूमने उस टाइम पे जब मौर्यन अंपायर का रूल चल रहा था। तो उस टाइम वो आया था, तो उन्होंने अशोकन मौर्यन अंपायर के बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ही वाज अ वेल रिसोर्स एविडेंस जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताता है। और उसके बाद एक बुक है जो अर्थशास्त्र, जो किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी, कौटिल्य की लिखी हुई बुक है अर्थशास्त्र। तो उसके उससे भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। सो दीज आर द रिसोर्सेज, दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है जी, तो अशोका जी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अशोक वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड द मैसेज ऑफ द पीपल ऑन स्टोन रॉक्स एंड पिलर्स। ठीक है जी, अशोका एक ऐसा किंग था जिन्होंने अपने मैसेज है जो लोगों में, उस टाइम पेपर तो नहीं होता था, तो मैसेज उन्होंने कैसे देना शुरू कर दिया, मैसेज है जो इंस्क्रिप्शन के ऊपर, पिलर्स के ऊपर लिखे जाते थे, स्टोन्स के ऊपर लिखी जाती थी, पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था मैसेज, और फिर वो लोगों में स्प्रेड किए जाते थे। क्योंकि उस टाइम में पेपर की अभी तक खोज नहीं हुई थी,
इस वजह से जो लिपि थी उनके पास लिखने वाला मटीरियल लिखते थे वो, बट वो लिखते कहाँ पे थे, पत्थरों पे लिखते थे, स्टोन्स पे लिखते थे, या दीवारों पे लिखते थे, या पिलरों के ऊपर लिखते थे। तो ऐसे उन्होंने अपने मैसेज, अपनी फिलॉसफी, अपनी गाइडलाइंस है लोगों को स्प्रेड की, मैसेज जैसे वो देते थे, ठीक है जी। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया था जिसका नाम था धम्मा, ठीक है जी। धम्मा क्या है जी, उनका एक एथिकली एक फिलॉसफी थी जो उन्होंने लोगों में स्प्रेड की कि आपने अपना जीवन कैसे बिताना है। एक गाइडलाइंस थी, मॉरली गाइडलाइंस, मॉरलिटी के ऊपर आधारित गाइडलाइंस हैं जो अशोक ने लोगों में स्प्रेड की, लोगों को बताया कि कैसे आपने के जीना है, हाउ टू लिव योर लाइफ, ठीक है जी। लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट एंड नेशन, एंड व्हाट आर द मॉरल आइडियाज, मॉरल ड्यूटी अबाउट द कंट्री, अबाउट द अदर फेलो सिटीजन्स, आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये उन्होंने बताया। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या उन्होंने मैसेज दिए थे धम्मा में, क्या क्या कहते थे वो। तो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि हमने किसकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अशोक जी ने ये मैसेज दिया। उसके बाद जेनरोसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड अदर सेक्ट, यानी कि हमने आदर सत्कार करना है किसका, ब्राह्मण्स का और अदर सेक्ट यानी अदर रिलीजन है जो भी हैं, जो भी हमारे पूजनीय पर्सन हैं उनकी, वो हमने उनके लिए आदर सत्कार रिस्पेक्ट है जो जेनरोसिटी देनी है, तो ये भी उन्होंने बोला। उसके बाद काइंडनेस टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, सो काइंडनेस रखनी है अपनी दूसरे, अपने नौकरों की तरफ, अपने स्लेव्स जो भी आपके स्लेव हैं उनकी तरफ आपकी काइंडनेस होनी चाहिए, उनकी तरफ आपकी दयालुता होनी चाहिए। तो ये मैसेज अशोक जी ने लोगों में स्प्रेड किया, ठीक है जी। उसके बाद रिलीजियस टॉलरेंस टूवर्ड्स द अदर रिलीजन्स, आप में रिलीजियस सहनशीलता होनी चाहिए, धार्मिक सहनशीलता होनी चाहिए। आपने क्या करना है, ये सभी धर्मों का है जो सत्कार करना है, रिस्पेक्ट करनी है, ये नहीं है सिर्फ अपने ही रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है और अदर रिलीजन को आपने डीमोरलाइज करना है या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। तो ऐसी आपने भावनाएं नहीं रखनी, आपने दूसरे धर्मों की भी रिस्पेक्ट करनी है, ये भी अशोक जी ने अपने धम्मा के मैसेज में है जो वो दिया था, ठीक है जी। तो ये इतना बड़ा चेंज, पहले तो बहुत अच्छे से वो एक लड़ाकू राजे थे जो लड़ते थे, उन्होंने कलिंगा वॉर जीता जिससे अपनी एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, बहुत लॉन्ग एक्सटेंड उसकी बाउंड्री बनाई। तो इतना ज़्यादा चेंज अशोक में क्यों आया, क्योंकि अशोक जी ने बौद्ध धर्म है जो वो अडॉप्ट कर लिया था, तो वो बुद्धिज्म यानी कि महात्मा बुद्ध के फॉलोअर बन गए थे, तो वो अडॉप्ट करने के बाद ही उन्होंने ये धम्मा है जो वो स्प्रेड किया था अपने पॉपुलेशन में, ठीक है जी। सो ये था अशोक के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, कि मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर आ जाते हैं जी, जहाँ पे पूरे कंट्री का जो पूरे देश का जो सिस्टम चलाया जाता था। 5 मेजर सेंटर कौन से हैं जी, पाटलिपुत्र, टैक्सिला, उज्जैनी और तोसाली और स्वर्णगिरी। सो दीज आर द मेन 5 सेंटर पॉलिटिकल सेंटर, यहाँ पे पूरे देश का जो पूरी एम्पायर का है जो वो वर्क चलाया जाता था, कैसे, ये मेन सेंटर है पॉलिटिकल सेंटर, ठीक है जी। कौन कौन से, पाटलिपुत्र, तोसाली, ठीक है जी, कोसाला, स्वर्णगिरी, ये मेन है जो उज्जैनी, ये मेन 5 सेंटर हैं जी। सो दीज आर दीज रूट सेंटर सिचुएटेड इन द इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स, कम्युनिकेशन, लैंड रूट्स एंड अदर रेवेन्यू रूट्स, वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टू एम्पायर, ठीक है जी। यहाँ पे अलग अलग तरह के काम होते थे जी, जब सभी कैसे हमने डील करना है, कैसे ट्रेड करना है दूसरी देशों के साथ, कौन से रूट के साथ जाना है, हमने सी रूट के तो को यूज़ करना है, लैंड रूट को यूज़ करना है, तो ये सारा कहाँ पे डिसाइड होता था, इन 5 पॉलिटिकल सेंटर्स के ऊपर ये डिसाइड होता था, ठीक है जी। उसके बाद अशोक जी ने क्या बनाई हुई थी, कमेटीज़ बनाई हुई थी, सब कमेटीज़, रोल ऑफ सब कमेटीज़। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, एक कमेटी बनी हुई थी आगे, कमेटी इसमें है जो वर्क है वो डिवाइड होता था, हर एक कमेटी है जो अपने तरीके से जो वर्क करती थी। सो वो कमेटीज़ कौन कौन सी थी, कमेटी मैकनीज ने अपनी बुक में लिखा है कमेटी हैं जो, जैसे आर्मी को लेके कमेटी बनी हुई थी जी, ठीक है जी। दे लुक्ड फॉर नेवी, ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, कैवलरी, चियॉट्स एंड एलिफेंट्स।
सो दी द सेकेंड कमेटी कौन सी थी, अरेंज द ब्रूकॉट, कैरी इक्विपमेंट, रिक्योर फूड सोल्जर एंड फूडर फॉर एनिमल्स, रिक्रूट सर्वेंट्स आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर। ठीक है जी। सो फर्स्ट कमेटी में आर्मी के बारे में, और सेकेंड कमेटी में है जो कैसे आर्मी को हमने देखभाल करनी है सोल्जर की, कैसे उनको खाना देना है, उसमें वो चीज़ें हैं देखी जाती थी। कमेटी फर्स्ट कमेटी में आर्मी और सेकंड कमेटी में उनका ध्यान रखने वाले पर्सन है जो वो अपना रोल है जो प्ले करते थे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है अशोक जी का। ठीक है जी। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ अशोक होल्ड इज एम्पायर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट कमेटी क्या करती थी जी, मेजरमेंट करती थी पूरी कंट्री का, पूरे एम्पायर का, कि कैसे होल्ड करना है पूरी अंपायर को, कैसे ध्यान में रखना है उनको। ठीक है जी। कैसे रेवेन्यू कनेक्ट करना है, कहाँ से रेवेन्यू नहीं आ रहा, कहाँ से इनकम हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही, तो वो दूसरे कमेटीज़ हैं जो इकोनॉमिक और दूसरे हैं जो सोशल स्ट्रक्चर में ये रोल है जो प्ले करती थी। ठीक है जी। तो ऐसे अशोक ने अपनी अंपायर है जो उसको होल्ड किया हुआ था, अपनी अंपायर को ऐसे उनको चलाता था। ठीक है जी। कमेटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मेन फाइव पोलिटिकल सेंटर से लेके नेक्स्ट कमेटी हैं जो वर्क हैं जो करते हैं। ठीक है जी। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मौर्यन एम्पायर। तो ये सारा जो हमने डिस्कस किया था ये हमारा मौर्यन एम्पायर के बारे में था। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ टॉपिक हमारा। फोर्थ टॉपिक क्या है जी, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, ठीक है जी। इट मीन्स यहाँ पे अब हम अदर नोशन पढ़ेंगे, अदर आस्पेक्ट्स पढ़ेंगे किंगशिप के बारे में, कि साउथ में कैसे चलता था काम, कैसे अंपायर थी, कौन कौन सी अंपायर थी, वेल पब्लिश्ड अंपायर थी उस टाइम में, उस पीरियड में। क्योंकि हम जो हमारे पास जो हिस्ट्री है वो नियर अबाउट हम 1000 ईयर की हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बहुत लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग टाइम है। इतने टाइम में बहुत सारी अंपायर आई, बहुत सारी अंपायर गई, न्यू अंपायर इस्टेब्लिश हुई, ओल्ड हैं जो एलिमिनेटेड हुई। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट अंपायर है जो वो आई। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी न्यू चीफडम किंगडम्स इमर्ज इन द सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है न्यू नोशन है जो, इसमें हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे सेकेंड सेंचुरी लिख देते हैं कि सेकेंड सेंचुरी से क्या हुआ जी, डिफरेंट टाइप्स की हैं जो अंपायर हैं वो इस्टेब्लिश हुई। ठीक है जी। वो कौन कौन सी अंपायर थी सेकेंड सेंचुरी में जो अंपायर इस्टेब्लिश हुई साउथ सब कॉन्टिनेंट में? चोला, सबसे पहले चोला है जी, चिराज है, पांड्या है, एंड ये मेन अंपायर हैं जी, चोला, चिराज एंड पांड्या, दीज आर द मेन। तमिलकम वर नॉन एज अ सांगा संगम टैक्सिस। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चला, ठीक है, ये अंपायर हुई कि चोला कहाँ पे हुई, चिराज, पांड्या ये कहाँ पे हुई, ये हमें कहाँ से पता, तमिलकम टैक्सिस में संगम टैक्सिस है, यानी कि एक बुक है जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इन अंपायर के बारे में लिखा है। उस टैक्सिस ने हमें बताया कि साउथ में भी ये अंपायर हैं इस्टेब्लिश हुई। कौन कौन सी अंपायर? चोला, चिराज एंड पांड्या। ठीक है जी। संगम टैक्सेस एक मेन एविडेंस है इसका, जिसे हमें साउथ के बारे में पता चलता है जी। सो सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग, इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, सेवरल स्टेट्स हैं, जिनके सतवाना है, शेख्स है, टुक एडवांटेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो शाकाज, सतवानाज एंड शेख्स, इन्होंने क्या किया जी, लॉन्ग डिस्टेंस रूट से हैं जो वर्क किया, ट्रेड किया। खुशांस फर्स्ट सेंचुरी बीसी से सेकंड सेंचुरी, रूलर वास्ट किंगडम एंड सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है जी। तो ये अंपायर कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, देखिए वास्ट एक्सटेंडिंग किंगडम्स थी ये, ठीक है, साउथ से लेके है जी नॉर्थ तक है जो फैली हुई थी। सो हिस्ट्री हिस्टोरियन हैज बीन रिकंस्ट्रक्ट फॉर द इंस्क्रिप्शन कॉइंस स्कल्पचर नोशन किंगडम and wanted to convey all reflected in their coins and sculptures। ठीक है जी। तो जो हिस्टोरियन हैं उनके पास कौन कौन से एविडेंस हैं, किन एविडेंस के आधार के ऊपर उन्होंने इन अंपायर के बारे में जानकारी हासिल की या लिखा, उनको हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल थी? तो उनके पास इंस्क्रिप्शन थी, ठीक है जी, उनके पास कॉइन्स थे, उनके पास टैक्सेस थे, ठीक है, रिटर्न टैक्सेस मिले उनको, कॉइन्स मिले, इंस्क्रिप्शन मिले, जिसके थ्रू उन्होंने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया कि हाँ जी इस पीरियड में ये हुआ, इस टाइम में ये हुआ। ठीक है जी। तो इसकी हेल्प से उन्होंने ये चीज़ें बनाई। ह्यूज स्टैचूज ऑफ कुशवाहा रूलर्स, देखिए हमारे पास आपकी बुक में है जो दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में
जो स्टैचू हैं उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने देखने हैं स्टूडेंट्स। तो खुशाना से रिलेटेड बहुत सारे स्टैचूज मिलते हैं हमें यूपी में, अफगानिस्तान में। सो इंडिकेट दैट खुशाना कंसीडर देमसेल्व्स गॉड लाइक। सो अपने आप उनकी जो इमेज थी, एक हम यहाँ पे बोलते हैं ना, ये देखिए डिवाइन किंग्स। तो डिवाइन किंग्स में क्या है जी, उनके जो खुशानाज की जो हमें पिक्चर्स मिलती हैं, तो उसमें उन्होंने अपने आप को क्या दिया है जी, लाइक अ गॉड, एक गॉड वाली पिक्चर है जो हमें दी है। साउथ की बात करें, साउथ में हमें चोला चिराज एंड पांडा मिले, डिवाइन किंग में खुशानाज जिनकी पिक्चर्स हमें कहाँ पे मिली, जिनकी पिक्चर्स हमें अफगानिस्तान यूपी में मिली, और उनके इतने बड़े बड़े स्टैचू हैं कि वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, गॉड लाइक, यानी कि डिवाइन किंग्स मतलब भगवान का रूप, दैवी शक्ति, ठीक है जी। तो खुशाना अपने आप को गॉड लाइक पिक्चर में है जो रिप्रेजेंट करते हैं, दे क्लेम डिवाइन स्टैचूज एंड अडॉप्ट द टाइटल ऑफ देवपुत्रा सन ऑफ गॉड, ठीक है जी। देवपुत्रा कौन है जी, सन ऑफ गॉड, यानी कि जो किंग है वो क्या है, सन है, गॉड का सन है, सन ऑफ गॉड, राइट एवरीबडी। सो हिस्टोरियंस ने क्या किया जी, हिस्टोरियन ने कंट्री साइड की बात करते हैं जी, चेंजिंग द कंट्री साइड पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द किंग्स। सो हिस्टोरियंस ने गुप्ता के बारे में बताते हैं, उसके बाद गुप्ता अम्पायर की बात, फोर्थ सेंचुरी में कौन सी अम्पायर हुई, गुप्ता अम्पायर हुई। सो हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फॉर द लिटरेचर कॉइंस इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग प्राशदी हर्षियाना कंपोज बाय द हर्षियाना, ठीक है जी, कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है जी। हर्षियाना कौन थे, हर्षियाना वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्त। देखिए जो फोर्थ सेंचुरी में जो हमें अम्पायर मिलती है वो कौन सी है, गुप्ता अम्पायर फोर्थ सेंचुरी में, और उसके जो लीडर थे, मेन फाउंडर थे, वो समुद्रगुप्त थे। और समुद्रगुप्त की एक प्राशदी यानी कि उनकी बायोग्राफी लिखी है, किसने लिखी है, हर्षियाना ने लिखी है, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है हर्षियाना ने। हर्षियाना उनके गुड पोइट थे जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी। और जो प्राशदी है यानी मीन प्रेज ऑफ किंग, प्राशदी का मीन क्या होता है, प्रेज ऑफ किंग। तो किंग की प्रेस में जो चीजें लिखेंगी उसको क्या बोला गया, प्राशदी बोला गया। प्राशदी किसने लिखी, वो लिखी हर्षियाना ने, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन फोर्थ सेंचुरी, ठीक है जी। सो उसके बाद हमें बहुत सारी अदर एविडेंस मिलते हैं, जैसे जटाका इन लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई जटाका टेक्सिस हैं। हिस्टोरियन ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एग्जामिनिंग द स्टोरीज ऑफ कंटेनिंग जटाका रिटन इन पाली एंड पंचतंत्रा। सो जटाका भी एक टेक्सिस है जो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, वो भी गुप्ता अम्पायर के बारे में हमें नॉलेज देता है जी। जटाका स्टोरी इंडिकेट स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड सब्जेक्ट, किंग डिमांड द हाई टैक्सेस एंड पीजेंट अपोज टू दिस, ठीक है जी। सो ऐसे वर्क है जो वो चलता था, ठीक है जी, कंट्री साइड में किंग्स की डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है जी, किंग को देव पुत्र बोला गया जी, किंग को ये बोला गया। सो चेंजिंग कंट्री साइड में हमारे पास जटाका की स्टोरीज आ गई, सारा हमने डिस्कस कर लिया, राइट एवरीबडी। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। सो कौन कौन सी स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट की, कौन कौन सी योजनाएं बनाई जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि ऐसे हम है जो अपनी एग्रीकल्चर है जो यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अनदर वे मीट टू ग्रोइंग डिमांड और टैक्सेस इंक्रीजिंग द क्रॉप, आयरन फ्लोस शेयर यूज टू टर्न अलॉयबल सॉइल इन एरिया हाई रेनफॉल। सो उन्होंने आयरन स्टोर्स बनाए एग्रीकल्चर के लिए, जिससे उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज की, रेनफॉल को यूज करते थे, वाटर को स्टोरेज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कैनल सिस्टम बनाया जिससे वो इरीगेशन है जो और अच्छे से वो करके जो इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, तो रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे जी, जो विद द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन डिफरेंस अराउज अमंग द एग्रीकल्चर बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल एफर्ट टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर स्मॉल पीजेंट एंड लार्ज लैंड होल्डर्स, ठीक है जी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ी, अब जो जिनके पास लैंड था वो रिच हो गए, और जो वर्क कर रहे हैं वो पुअर हो गए, ठीक है जी। तो सोसाइटी पार्ट्स में बट गई,
रिच एंड पुअर आ गया, मतलब लैंडलेस लेबर आ गए और एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड्स आ गए, लैंडलॉर्ड और लैंडलेस लेबर। तो ऐसे सेक्शन है जो सोसाइटी है जो बंट गई, रूरल सोसाइटी ऐसे बन गई। ठीक है जी, संगम टैक्सेस हमें बताते हैं कि लैंड लार्ज लैंड होवर को वेदर बोला जाता था, फ्लोमैन को ओझावर बोला जाता था और स्लेव्स को आदमी बोला जाता था। ठीक है जी, लैंड लॉर्ड को क्या बोला जाता था, वेलर, एंड फ्लोमैन को क्या बोला जाता था, ओझावर, और स्लेव्स को क्या बोला जाता था, आदमी। ठीक है जी, आदमी। ठीक, तो ऐसे रूरल सोसाइटी है जो उसमें डिफरेंसेस होंगे। सो 4.5 आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू लीव्स। अब लैंड ग्रांट्स क्या होता है, कैसे लैंड को ग्रांट के रूप में दिया जाता था, किसको दिया जाता था, किसी भी पर्सन को जो हमसे अपर है या कोई देव कोई पंडित है या कोई पूजनीय पर्सन है, कैसे उसको हम लैंड है जो ग्रांट में देते हैं। लैंड ग्रांट बाय किंग रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन, के किंग है जो वो भी लैंड ग्रांट कर देते थे किसको, पंडितों को, ब्राह्मण्स को। ठीक है जी, ये इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, मोस्ट ऑफ रिकॉर्डेड आर जनरली अबाउट द ग्रांट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्राह्मण। सो सबसे ज़्यादा जो लैंड ग्रांट्स हैं वो किसको दिए जाते थे, ब्राह्मण्स को दिए जाते थे। तो ब्राह्मण भी बहुत रिच कम्युनिटी बन चुकी थी क्योंकि उनको काफ़ी क्वान्टिटी में है जो लैंड्स हैं जो प्रोवाइड करवाए जाते थे, लैंड उनको दिए जाते थे। ठीक है जी, तो प्रभावती गुप्ता की बात आती है यहाँ पे। प्रभावती गुप्ता है, गुप्ता चंद्रगुप्त गौरिया की बेटी है जिसको लैंड है जो मिलता है जी, रूलर बनी वो भी। ठीक है जी, वैसे तो मेनली जो हमारे वर्णा सिस्टम सोसाइटी उसमें ये मेनली जो लड़कियां हैं वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेती थी, बट एक एविडेंस हमें मिलता है वो वटाकास डेक्कन में मिलता है, यानी कि दक्षिण में मिलता है। तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रभावती गुप्ता की है कि वो भी अपने चंद्रगुप्त गौरिया की बोटी थी, उसने अंपायर है वो उसको होल्ड किया था, अंपायर को चलाया था। सो अकॉर्डिंग टू द संस्कृत लीगल टेक्स्ट वुमेन नॉट सपोज टू हैव एक्सेस द लैंड, बट इंस्क्रिप्शन इंडिकेट प्रभावती गुप्ता एक्सेस द लैंड। सो इंस्क्रिप्शन गिव अस द आइडिया अबाउट द रूलर ब्राह्मण्स एंड पीजेंट, दे वर डोनेटेड इन द साइज ऑफ लैंड डोनेटेड, एंड लैंड ग्रांट्स एक्सटेंडेड द एग्रीकल्चर टू एरियाज। सो स्टूडेंट्स ऐसे हम बोल सकते हैं कि लैंड ग्रांट सिस्टम है जो उससे क्या हुआ, एक न्यू इलीट क्लास है जो वो इमर्ज हुई। ठीक है, एक नई क्लास यानी कि एक नया सेक्शन है जो सोसाइटी में वो पैदा हुआ लैंड ग्रांट्स के साथ साथ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा ये टॉपिक है जो वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, तो होप करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया। इस पर एक बार मैं फिर से थोड़ी सी इसकी ब्रीफ में आपको रिवीजन दे देता हूँ कि अंपायर, अर्ली अंपायर में हमने मॉडर्न अंपायर के बारे में पढ़ा, अशोका दी ग्रेट के बारे में डिस्कस किया हमने, न्यू नोशन किंग्स में साउथ के किंग यानी कि चीरा, पंडा और चोलास के बारे में पढ़ा हमने, डिवाइन किंग यानी वो अपने आप को गॉड लाइक, खुशाना किंग है जो अपने आप को गॉड लाइक इमेज में रिप्रेजेंट करते थे, चेंजिंग इन कंट्री साइड धीरे धीरे है जो कंट्री साइड में चेंजेस आने शुरू हो गए, किंग्स के बारे में अलग अलग रिसेप्शन है, गॉड है। उसके बाद हमने गुप्त के बारे में पढ़ा, गुप्ता डायनेस्टी है जो फोर्थ में हुई जिसमें हर्षयाना ने पराशक्ति लिखी, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त मौर्य की। तो उसके बाद इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैसे उन्होंने इंक्रीज किए, रूरल सोसाइटी में कैसे डिफरेंस आया, लैंड ग्रांट सिस्टम कैसे था, कैसे लैंड ग्रांट किए जाते थे ब्राह्मण्स को, इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, और न्यू एलीट क्लास है जो यानी एक नया सेक्शन है जो सोसाइटी में पैदा होना शुरू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप करता हूँ आपको समझ आएगा। थैंक यू एवरीवन।